इंडिया की वुमेन्स टीम अपना अगला मैच कब खेलेगी, ये सवाल तो सारे क्रिकेट फैंस पूछते रहते हैं और फाइनली उनके इस सवाल का जवाब बीसीसीआई ने दे दिया है। तो 27 अक्टूबर को बीसीसीआई ने एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज कर इंडियन वुमेन्स टीम के होम सीरीज का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मेहमान नवाजी करेगी और ये होम सीजन खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े और डीवाई पाटिल स्टेडियम में। सीजन की शुरुआत होगी 29 नवंबर से, जब जूनियर टीम्स यानी इंडिया ए और इंग्लैंड ए आएंगे आमने सामने 3 मैच T20 सीरीज के लिए। फिर 6 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंडिया और इंग्लैंड के सीनियर टीम के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 1 टेस्ट खेला जाएगा, जिसका स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है। पहली T20 इंटरनेशनल मैच खेली जाएगी 6 दिसंबर को, सेकेंड 9 दिसंबर को और थर्ड T20 इंटरनेशनल 10 दिसंबर को, और उसके बाद 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की सीरीज खत्म होते ही इंडिया की टीम सामना करेगी ICC की ODI और T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को एक मल्टी फॉर्मेट सीरीज में। पहले तो 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक वानखेड़े में टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके बाद फर्स्ट ODI मैच 28 दिसंबर को, सेकेंड ODI मैच 30 दिसंबर को और थर्ड ODI मैच 2 जनवरी को खेला जाएगा, और उसके बाद 3 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जहां फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच 5 जनवरी को, सेकेंड मैच 7 जनवरी को और थर्ड मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। अभी तक ये सभी टीम्स के स्क्वाड अनाउंस होने बाकी है, पर क्योंकि ये पूरी सीरीज मुंबई में होने वाली है, काफी सारे क्रिकेट फैंस इस डिसीजन से ना खुश है। आपकी क्या राय है बीसीसीआई के इस फैसले से, हमें कमेंट्स में बताएं।